सीजन टू एपिसोड नाइन स्टार्ट होता है और वॉल्टर हैंक मरी और स्काइलर सब हॉस्पिटल में बैठे हुए होते हैं वॉल्टर अपना एमआरआई कर, करवाने वाला होता है क्योंकि अभी दो महीने हो चुके हैं और अब उसको रिजल्ट पता चलने वाला होता है कि उसका कैंसर की अब क्या स्टेजेस है या अब उससे क्या करना होगा तो सब एम के लिए उसको सपोर्ट करने के लिए वह आए हुए होते तब वेट कर, -कर करके मरीज जरा परेशान हो जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें हमारे हॉस्पिटल में करवाना चाहिए हम बहुत ही फास्ट कर देते हैं और इतना वेट भी नहीं करवाते और डॉक्टर तुम्हें बहुत ही ज्यादा वेट करवा रहा है इन डॉक्टर को उतना भी नहीं मालूम होता जितना टेक्नीशियंस को मालूम होता है मैं भी वॉल्टर का एम रीड करके बता सकती हूँ की क्या होने वाला है तभी वॉल्टर को खांसी आती है और वो वॉशरूम चला जाता है उसको बहुत ही सीरियस खांसी आ रही हो वॉल्टर का फिर एम होता है और वॉल्टर फिर टेक्नीशियन को ही पूछने की कोशिश करता है कि कुछ दिख रहा है या नहीं तो टेक्नीशियन बोलता है कि इसमें कुछ ज्यादा पता नहीं है वॉल्टर उसके एम की डिजिटल इमेज देखता है और और उसे लगता है की बहुत ही ज्यादा कैंसर स्प्रेड हो चुका है और वो अब बचने नहीं वाला वॉल्टर फिर अपने लॉयर सॉल के पास आता है सॉल को वो बताता है कि मुझे मनी लॉन्डर करवाना है तो सॉल उसे पूछता है कि कितना मनी लॉन्ड्रिंग करनी होगी वो वॉल्टर उसे बताता है कि सिर्फ सिक्सटीन ही है और लॉन्डर करके उसे टेन मिलेंगे तो वॉल्टर उसे बोलता है कि अब मुझे बहुत सारा कुक करना पड़ेगा सॉल उसे यही प्रोफेशनल एडवाइस देता है वॉल्टर फिर बेड में होता है स्काइलर के पास स्काइलर उसे परेशान देख बोलती है कि इस वीकेंड में हमें कुछ करना चाहिए इससे तुम्हारा जो रिजल्ट होने वाला है स्कैन का उससे जरा दिमाग तुम्हारा डाइवर्ट हो जाएगा और तुम्हें अच्छा लगेगा स्कैलर स्कैलर को बोलता है है कि कि मुझे मेरी माँ से मिलने जाना पड़ेगा तो उससे पूछती है कि क्या तुम एक बैड न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हो स्कैलर उसे बोलती है कि तुम्हें पॉजिटिव रहना चाहिए पर वॉल्टर उसे कहता है कि एक निगेटिव भी हो सकता है इसलिए मुझे माँ से मिलकर आना पड़ेगा अगर माँ कुछ मेरे लिए छोड़ के जाने वाली होगी तो उसके बारे में भी मैं माँ से बात कर लूँगा नेक्स्ट सीन में हमें जेसी और जेन बेड पर दिखाए गए हैं और फिर जेन जेसी से पूछती है कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए वो उसे बोलती है कि एक म्यूज़ियम है वहाँ हम जा सकते हैं पर जेसी ज़रा टायर्ड होता है तो उसे बोलता है कि हम मूवीज़ क्यों नहीं देख सकते तो जेन उसे फोर्स करती है कि हमें म्यूज़ियम ही जाना चाहिए तभी जेसी को वॉल्टर का कॉल आ जाता है और वाल्टर उसे कुछ चीज़ें लाने के लिए बोलता है एक लिस्ट उसके पास होती है वो लेकर उसे वो, वो एयरपोर्ट आने के लिए बोलता है जैसे उसे कहता है कि उसके प्लान से और वो म्यूज़ियम में जाने वाला है तो वॉल्टर उसे मैनिपुलेट करता है और उसे बोलता है कि हमारा जो मेथमीन है वो खराब हो रहा है तो हमें जल्द से जल्द बहुत सारा मेथ कुक करना पड़ेगा और पूरे चार दिन हम कुक करेंगे तब हम उसे पूरा यूज़ कर लेंगे स्काइलर वॉल्टर को छोड़ने आती है और हमें पता चलता है कि स्काइलर उसके माँ को कॉल नहीं करने वाली क्योंकि वो अपनी मदर इन लॉ से डरती है इसलिए तो अभी वाल्टर विदाउट एनी हेजिटेशन अब अच्छे से कुक कर सकता है जैसे वह आ जाता है और वो दोनों डेजर्ट में चले जाते हैं वो बहुत दूर आ जाते हैं डेजर्ट में जैसे अपने साथ कुछ फ्रेड फनियंस लाता है खाने के लिए चार दिन के लिए ये बहुत ही अनहेल्दी होता है इससे वॉल्टर उसे हेल्दी खाने की सलाह देता है जेसी के फ़ोन में रेंज नहीं होती तो वॉल्टर से पूछता है कि क्या तुम्हारे फोन पर रेंज है वॉल्टर को सिग्नल मिल रहा होता है जेसी को जैन को कॉल करना होता है तो वॉल्टर से फोन मांगता है वॉल्टर उसे बताता है कि स्काइलर मेरे फोन रिकॉर्ड चेक करती है तो वो उसे नहीं देगा वॉल्टर फिर पानी का सप्लाई चेक करता है वो एक ड्रम जेसी ने लाया हुआ होता है अब वो कुक करने के लिए रेडी होते हैं जैसे टेबल पर ही गाड़ी के कीज रखने वाला होता है पर फिर वॉल्टर उसे बोलता है कि ये मेरा वर्क स्टेशन है और तुम यहाँ वो नहीं रख सकते किसी सेफ जगह उस कीज़ को तुम रख दो तो जैसे गाड़ी के की सॉकेट में ही की को रख देता है वॉल्टर और जैसे फिर कंटीन्यूसली कुक करने में लग जाते हैं पूरा दिन पूरी रात वो कंटीन्यूसली कुक करते रहते हैं अच्छे से कुक करने के बाद उन्होंने 19 पाउंड्स मेथ कुक किया होता है तब जैसी उसे पूछता है तो इसे सेल करने के बाद हम दोनों को कितने मिलेंगे तो वॉल्टर उसे बोलता है कि 72,000 डॉलर हमें एक एक को मिल जाएंगे इससे वो बहुत खुश हो जाते हैं और जैसी बोलता है कि हमारे पास अभी भी एक दिन है और हमें अब सेलिब्रेट करना चाहिए तो वॉल्टर बोलता है हम और कुक करेंगे अभी भी हमारे पास मेथिलमीन है और हम और भी कुछ कुक कर सकते हैं जो जेसी बोलता है कि हम बहुत ही थक चुके हैं हमें आराम की भी ज़रूरत है तो हम यही पास में एक मॉडल पर जाएंगे ज़रा आराम करेंगे और फिर से सुबह में आ जाएंगे और फिर से कुक करेंगे वाल्टर भी जोरा मना करने के बाद एग्री कर लेता है जब जैसे गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वो स्टार्ट ही नहीं होती वॉल्टर उसे पूछता है कि तुमने कीज़ कहाँ रखी थी तो जेसी उसे बोलता है बताता है कि मैंने सॉकेट में रखी थी पर मैंने गाड़ी को ऑन नहीं किया था वो जो लाल लाइट था वो भी ऑन नहीं हुआ था मुझे पता है कि गाड़ी कब ऑन रहती है कीज़ डालने पर पर फिर भी उनकी अब बैटरी तो ड्रेन हो चुकी होती है उनके पास जनरेटर होता है तो वॉल्टर जनरेटर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है वो फ्यूल करता है जनरेटर को और जब वो ऑन करता है गाड़ी को तो जनरेटर ही जल जाता है क्योंकि जैसी थोड़ा सा पेट्रोल भी उस जनरेटर पर स्पिल कर देता है जैसे फिर बैजर को कॉल करता है कि वो कहाँ आए हुए हैं और उनको लेने आने के लिए वो बैजर को बुलाता है बैजर को वो सब डिटेल्स देता है वॉल्टर उसे बताता है कि ज़्यादा बात ना करे क्योंकि रोमिंग में बहुत ही ज़्यादा बैटरी लग जाती है वो फिर रात में वही ठंड में बैठे हुए होते हैं जैसे वॉल्टर से फिर से फ़ोन मांगता है और बैजर को कॉल कर करता है वो जब बैजर को कॉल करता है तब उसे पता चलता है कि बैजर किसी और ही रोड पर चला गया है और वो वहाँ फंस जाते हैं और डिसअपॉइंट होकर सो जाते हैं नेक्स्ट दिन जब वॉल्टर उठता है तब वो जनरेटर को हैंड से घुमाकर थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश करता है इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उन्हें बहुत सारी मेहनत लगने वाली होती है तो वो टर्न टर्न से बहुत घंटे तक जनरेटर घुमाते रहते हैं वाल्टर वही सो जाता है जैसे जब उसे उठाता है तो वाल्टर उसे बहुत वीक लगता है फिर वाल्टर बहुत ज़्यादा खासने लगता है तब तो जैसे को पता चल जाता है कि इसकी बीमारी अब बढ़ चुकी है तो वो वॉल्टर से पूछता है कि मेथिल कभी भी खराब नहीं होता वॉल्टर उसे झूठ बोल रहा होता है जेसी को पता चल जाता है और वॉल्टर को भी भला बुरा बोलता है जनरेटर अब उनको लगता है कि जनरेटर इनफ स्टार्ट चार्ज हो गया है और उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं होती फिर वो वही पढ़ कर आराम करते हैं जैसे बोलता है कि अब मैं पैदल चल के कुछ मदद लाने की कोशिश करता हूँ पर वॉल्टर उसे बोलता है कि तुम फास्ट फूड ही खा रहे थे तो अभी तुम्हारे बॉडी में कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है हमारे पास अभी पानी भी नहीं बचा क्योंकि जब जनरेटर में आग लगती है तब जैसे जनरेटर में पानी डाल देता है और वो आग बुझाता है इसलिए अभी उनके पास पानी भी नहीं होता तो अब जैसे कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स भी नहीं है तो वाल्टर उसे बताता है कि अगर तुम चलने लगोगे तो तुम्हारे बॉडी में जो मसल्स और ब्रेन्स का जो कांटेक्ट होता है वो चला जाएगा और तुम पैरालाइज हो जाओगे और एक घंटे के अंदर तुम मर जाओगे पर गिव गिवअप करने को रेडी नहीं होता जेसी वॉल्टर को मोटिवेट करता है कि हमारे पास पूरी लैब है हम इसमें कुछ भी बना सकते हैं हम गाड़ी के पार्ट्स लेके इससे कुछ रोबोट वगैरह बना सकते हैं और कुछ भी करके हम गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं तो वॉल्टर को आइडिया आता है कि हम एक बैटरी बना सकते हैं वॉल्टर फिर दिमाग लगाकर कुछ शार्प नेल्स कुछ गाड़ी की चीज़ें लेकर एक बैटरी बनाता है और फिर उसको कार की बैटरी से कनेक्ट करता है और गाड़ी को स्टार्ट करके देखता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है फिर जैसे फिर से वॉल्टर को एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर देता है तो वॉल्टर जैसे को बोलता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर रहा हूँ मेरे जो पैसे हैं तो वो तुम मेरे फैमिली को दे देना फिर सब वाल्टर और हैंग की फैमिली डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर उसे रिज़ल्ट बताता है वो बोलता है कि अगर कीमो ने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया होगा तो तुम्हारा ट्यूमर जो है वो ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट श्रिंक हुआ होगा पर तुम्हारे केस में अब तुम्हारा ट्यूमर नाइन्टी परसेंट श्रिंक हो गया है और ये एक गुड न्यूज़ है तो वॉल्टर उसे बोलता है कि मुझे बहुत कफ आ रहे हैं और दो तीन दिन पहले उसमें से ब्लड भी आया था तो डॉक्टर उसे बताता है कि ये एक दूसरी कंडीशन है इससे तुम्हें हो रहा है यह भी सीरियस हो सकती है पर तुम्हें अब डरने की कोई चिंता नहीं है तो सब बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर वॉल्टर को फिर से थोड़ा सा खोखला आता है तो वो बाथरूम में चला जाता है वॉल्टर को खुद पर ही बहुत गुस्सा आता है और वो टॉयलेट पेपर निकालने की मशीन को पंच करने लगता है यही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है